तो चलिए आइए, एक अच्छा स्टूडेंट हम कैसे बन सकते हैं, चंद बातें रखो। लेकिन मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था मैं क्या सोचता था, तो आपको भी कुछ बातें हो सकता है उससे पता चले कि यार ऐसी सोच सबकी होती है और सब स्टूडेंट ऐसे होते हैं। समझ रहे हैं बात? तो स्टूडेंट कैसे होते याद रखिए, सोच कैसी होती है। जब मैं छोटा था और वो थ्योरम्स आते थे, थ्योरम शुरू हुए थे फिफ्थ सिक्स में, ये कैलकुलेट करना है, वो चीज़ निकालना है और चीज़ें होती थी, तो मैं ऐसा सोचा करता था, गलत सोचती थी, मुझे किसी ने समझाया नहीं था। मैं ये सोचता था ये लोग जिसने थ्योरम्स बनाए, ये थ्योरीज बनाए फुला, ये मर क्यों नहीं गए इसको बनाने से पहले, ये तो चले गए दुनिया से बना के, तकलीफ हमको, हम कैलकुलेट करते बैठे क्यों, ये करो वो करो, एरिया ऑफ फुला निकालो, ये बनाओ वो करो, बिल्डिंग की हाइट कितनी मालूम करो, यहाँ खड़े इतनी डिस्टेंस पे, तो मेरे लिए क्यों ये सब, मुझे क्या करना है इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या काम आता है मुझे बताइए, क्या काम आता है मुझे। एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, आपने एरिया ऑफ सर्कल जिंदगी में कभी निकाला आज तक? अगर सीखा भी है तो किसी जगह सर्कल दिखा आपको उसका एरिया निकालना पड़ा प्रैक्टिकली, तो किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं वो सीख रहा था कि ये निकालो वो निकालो फलां कर रहे हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी एक आदमी ने मुझे प्रैक्टिकली क्या किया, एक बार ले गया मस्जिद के गुम्बद का वो था एरिया था, गोल सर्कल होता ना गोल, उसने मुझे वहां खड़ा करके कहा इसका एरिया निकालो, तो फर्स्ट टाइम मुझे थ्योरम काम आया था कि सर्कल का एरिया निकालना यहाँ जरूरत है इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, कि अभी पता चले यहाँ गोल कैसे होता है। समझ रहे हैं बात को? तो चूंकि कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था ये सारी चीजें बर्डन है, इसके वजह से मैं ओवर बर्डन हो रहा हूँ, मुझे मुसीबत में डाल दिया गया, एजुकेशन जो एक वर्स्ट पार्ट है मेरे लाइफ का, अगर मैं ये करता तो शायद मैं पागल हो जाऊंगा, है ना, और आगे चल के दुनिया में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन किसी ने मुझे समझाया नहीं था कि ये क्यों होता है, एजुकेशन क्यों दिया जाता है, आप क्यों पढ़ रही है सब चीजें, ये कॉन्सेप्ट को हमको जब तक बच्चों को अगर हम समझाएंगे नहीं, आप लोग समझेंगे नहीं, तो आप अच्छे स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं बन सकते अच्छे आदत। लेकिन एक फीलिंग आप पे हमेशा होंगी कि हम सबसे अच्छे हैं, ये सबसे डेंजर पार्ट होगा कि आदमी वो नहीं है जो वो फील करता है वो है, आप समझ रहे बात। तो लिहाजा एक हर स्टूडेंट की, जब आप थे मैं भी स्टूडेंट था, तो इसी टाइप की फीलिंग्स होती याद रखिए, इसी टाइप के इश्यूज होते याद रखिए, ऐसे ही हम लोग वो करते हैं, लेकिन हमको कोई समझाने वाला चाहिए याद रखिए, अगर कोई ना समझाए तो बहुत मुश्किल होती है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे ऐसे कोई काउंसलिंग सेशन गाइडिंग सेशंस नहीं होते थे, खाली वो बोलते ना मतलब एक्सप्लेनेटरी सेशंस नहीं होते थे, वो ऑर्डर्स वाले सेशन होते थे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, क्यों मुझे समझ में नहीं आता था, स्कूल रेगुलर जाओ क्यों मुझे नहीं मालूम था, मुझे जाना नहीं था उसके, जाओ ठीक है, लोगों से अच्छी बात करो क्यों मुझे उसका रीजन नहीं पता था, लेकिन करना चाहिए तो अच्छी बात करें, मजबूरन कर रहे, समझ लीजिए। एक होता है ना आप दिल से कोशिश करें और एक जगह होता है पेरेंट आपको मजबूर करे, मम्मी साथ में, तो आप कर ले रहे रिश्ता को, चुमकी ले ले रहे, घूर के देख रहे एकदम, तो अबू भी काम कर देते तो आप अपना क्या, अपने को तो करना ही पड़ता बच्चों को, तो काम कर ले रहे, लेकिन आपको रीजन नहीं पता आप क्यों कर रही है सब चीज, आप समझ रहे, तो आपको बोल रहे अच्छा स्टूडेंट बनो, पढ़ाई में दिल लगाओ, आपको समझ में आ रहा क्यों, मुझे तो मेरा दिल गेम में लगता है, मेरा दिल चैटिंग में लगता है, मेरा दिल सोशल मीडिया में लगता है, मेरा दिल मूवीज में लगता है, मेरा दिल डॉक्यूमेंट्रीज देखने में लगता है, मेरा दिल नॉवेल पढ़ने में लगता है, मेरा दिल पार्क में जाने को लगता है, मतलब घूमने फिरने मेरा ट्रैवलिंग में वो है, तो मेरा दिल ये चाहता है, पेरेंट्स बोले पढ़ाई में दिल लगाओ, व्हाई क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा, रीजन नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक ह्यूमन जो टेंडेंसीज है ना उसको काट कर हम ऑर्डर्स दे रहे सिर्फ, अच्छा पढ़ो क्यों, रीजन नहीं दे रहे, हमने रीजन भी देना चाहिए एज अ पेरेंट, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, कि आपके लिए नहीं, आप तो सुन रहे, आप तो स्टूडेंट, जब तक मैं आपको कोट नहीं करूंगा क्यों, जब तक मैं आपको समझाएंगा नहीं क्यों, जब तक आपका इंस्टीट्यूशन आपको समझाएंगे नहीं क्यों, वाई, देखिए बेसिक ह्यूमन है, मतलब इंसान के अंदर ये सवाल पूछने की जो है ना, क्वेश्चन पूछने की एक शिद्दत है अंदर से, एक नेचुरल है, और बहुत सारी जगह लोग उसको खत्म कर देते हैं। जब मैं छोटा था तो लोगों से क्वेश्चन बहुत पूछता था, बहुत ज्यादा सवाल करता था, पढ़ाई में होशियार नहीं था लेकिन सवाल बहुत करता था, अब आप समझ जाइए ठीक, क्वेश्चन रिलीजन में, मतलब रिलीजियस लोग मेरे से परेशान रहते थे कि अभी फ्राइडे सेरेमन होगा जुमा खुतबा, अब ये आके पूछने वाला है कुछ तो भी एकदम नया सवाल, क्योंकि मेरी आदत थी वो क्यों ऐसा क्यों कर रहा, रीजन नहीं मालूम तो आदमी का दिल नहीं लगता कोई काम में, याद रखे हम लोग क्वेश्चन करते थे, किसी ने मुझे एक बार एक्सप्लेन किया था ऐसा, सवाल नहीं पूछना बेटे, सवाल पूछना शैतानी अलामत है, मतलब उन्होंने मेरे को क्या बोलेंगे स्पिरिचुअल धौंस दी समझो, है ना, दीन के एतबार से मुझे वार्निंग दे दी, सवाल करना शैतानी अलामत। बेसिकली हम लोगों को घर में जो माहौल मिला, हम लोग बहुत छोटी उम्र से एवरी रमजान कुरान को पूरा पढ़ते थे, कुरान और साथ में उसका ट्रांसलेशन पढ़ते थे। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, अल्लाह बख्शत करे मेरे नाना के, उन्होंने मुझे उर्दू सिखाया था, तो मैं बहुत छोटी उम्र से उर्दू पढ़ना जानता हूँ, फोर्थ फिफ्थ से मैं उर्दू पढ़ता था और अच्छी उर्दू पढ़ता था, थोड़ी बहुत अखबार की उर्दू पढ़ लेता था।
तो मुझे उर्दू लैंग्वेज आती थी, तो मुझे बेनिफिट था, मैं चीज़ों को पढ़ लिया करता था याद रख, तो कुरान का हम ट्रांसलेशन पढ़ते थे। अब ट्रांसलेशन आ रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहि सलाम को क्रिएट कर रहा है और फरिश्ते अल्लाह से क्वेश्चन करते हैं, इवन द एंजल आस्क, फरिश्ते तक सवाल करते हैं, अल्लाह क्यों बनाता है ऐसी मखलूक। जब फरिश्ते जिनको चॉइस नहीं अच्छाई और बुराई की वो तक अपने रब से सवाल करते हैं, तो इब्ने आदम इंसान को तो ज्यादा हक है कि वो क्वेश्चन पूछे, रिलेट करे चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से चीजें रिलेट होती है, उससे हम बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं। आपको मालूम सोक्रेटस की पूरी एक थ्योरी है, सिर्फ क्वेश्चंस पे डिपेंड है वो थ्योरी, उसमें सिर्फ सवाल कर करके आंसर तक पहुंचा जाता है, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन। आप बोल रहे हैं कि दुनिया आसमान ऐसा है, तो वहां से क्वेश्चन शुरू होते, वो ज्यूरी क्वेश्चन करती थी, क्यों प्रूफ करो कि आसमान ऐसा है, प्रूफ करो कि ऐसा है, क्यों क्वेश्चन क्वेश्चन। तो ये तो हजारों सालों से ह्यूमन बींग ऐसे, फिर हमको कैसा बोला जा रहा है स्पिरिचुअली कि हम सवाल नहीं कर सकते, शैतानी अलामत। हमको लगा नहीं हमसे डर कर, हमको ऐसा मतलब कुछ तो भी होता है ना, एक बच्चा बहुत जिद कर रहा तो कुछ तो भी देखे खामोश बिठा दो इसको, वैसे आप साइकिल के लिए जिद कर रहे तो इसको लॉलीपॉप देखे खामोश बिठा दो कि साइकिल की बात ही नहीं कर रहा, तो वैसा हमको शैतानी है काम ये। अब जब क्यों नहीं, वाय, समझ रहे, बहुत बेसिक चीज है, नहीं हो रहा था तो हम लोग क्यों नहीं कर पाए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।